नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे। आधार कार्ड के पोर्टल पर एक नया सर्विस को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है DBT NPCI। इसे आपको कैसे यूज करना है और इसका क्या बेनिफिट है, सारा कुछ डिटेल्स हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आधार DBT NPCI का बेनिफिट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे आपको यूज करनी है, सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। अगर आपको भी सरकारी किसी भी प्रकार का बेनिफिट्स आपको लेना है, जैसे कि स्कॉलरशिप, PM किसान का पैसा और भी जो भी सरकारी पैसा आता है, अब आधार DBT NPCI जो लिंक होता है बैंक अकाउंट, उसी में पैसा सरकार भेजती है। अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं आएगा, रुक जाएगा पैसा। जैसे कि PM किसान का पैसा आपको नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस सर्विस के द्वारा आप चेक कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे इस सर्विस को यूज करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको myadhar.gov.in ये पोर्टल, इस पर आपको आना है और यहाँ पर लॉगिन वाले पे आपको क्लिक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे हम अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे, जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं उसका आधार नंबर एंटर कीजिए और यहाँ पे कैप्चा जो दिखेगा उसे आपको एंटर कर लेना है, ठीक है। हमने डाल दिया है और सेंड OTP पे अब हम क्लिक करेंगे। शायद हमने कैप्चा को गलत डाला था, तो फिर से हम यहाँ पे डाल देते हैं, सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपको 6 डिजिट का OTP आएगा, उसे OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। लॉगिन पे अब आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो भी सरकारी पैसा आएगा इसी बैंक में आएगा, जो यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा आधार नंबर दिख रहा है और यहाँ पे बैंक का नाम लिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे एक्टिव बता रहा है और यहाँ पे लास्ट अपडेट डेट यहाँ पे 4/7/2018 को, यानी कि हमारे पास तो बैंक अकाउंट बहुत सारे बैंक में हैं, जैसे कि पंजाब में भी है, SBI में भी है और यूनियन बैंक में भी है, लेकिन पैसा जो, और सब में आधार लिंक है, लेकिन पैसा जो मेरा आएगा वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आएगा। यानी कि जो भी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो करेगा उसी में आपको पैसा आएगा और यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। इनएक्टिव होगा तो आप जा कर के ब्रांच में अपना एक्टिव करा लीजिएगा, तभी जा कर कोई भी आपको सरकारी पैसा का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, पैसा ही आपका रुक जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अब हर जगह अकाउंट बेस्ड पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है, यानी कि आधार के द्वारा अब आपको पेमेंट होगा। तो जो भी आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखाई देगा उसी में आपको पैसा मिलेगा। आधार लिंक तो जितने बैंक अकाउंट खुलवाइएगा उसमें आप सब में करा सकते हैं पैसा निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन आपका NPCI के साथ जो लिंक रहेगा उसी में आपको DBT NPCI लिंक जो बैंक अकाउंट रहेगा उसी में आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो दिखाएगा बैंक अकाउंट उसी में आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका नहीं दिखा रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको जा करके अपना ब्रांच में लिंक करा लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और आपको जो भी सरकारी पैसा मिलेगा, स्कॉलरशिप, PM किसान, सब यही बैंक अकाउंट में आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह पर अब बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अब अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। PM किसान का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर अभी आपको बैंक अकाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार बेस्ड से पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी DBT NPCI बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसी में आएगा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का अपडेट आपका आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपको।